आपको एक प्रॉमिस किया हुआ है कि अगले चुनाव के पहले आपके साथ यमुना में डुबकी लगाऊंगा। मैंने आपको बता दिया 2025 तक हो जाएगी। अभी अभी बोला 2025 के चुनाव के पहले आप सबको लेके डुबकी लगाऊंगा। जैसे जैसे सर्द हवाएं दिल्ली को अपने आगोश में ले रही हैं, वैसे वैसे दिल्ली धुंध के घेरे में धुंधली नजर आ रही है। राजधानी में प्रदूषण बढ़ने का असर अब यमुना नदी पर भी देखने को मिल रहा है। ये कोई बर्फ नहीं है बल्कि जहरीला झाग है जो कालिंदी कुंज में यमुना के बहते पानी के ऊपर साफ देखा जा सकता है, जिसमें यमुना नदी कहीं छिप सी गई है। जाहिर है कि ये समस्या कोई नई नहीं है बल्कि हर साल ठंड आते आते दिल्ली और यहाँ की यमुना नदी का यही हाल हो जाता है। लेकिन समाधान के नाम पर दिल्ली वालों के पास केवल आश्वासन है। पिछले साल भी दिल्ली वालों को तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से आश्वासन दिया गया था। यमुना के एक बार फिर प्रदूषित होने पर अरविंद केजरीवाल का ये पुराना बयान वायरल हो गया है, आप भी सुनिए। यमुना एक्शन प्लान में आपने कहा 6 पॉइंट रहेगा। काफी सालों से यमुना के ऊपर कई प्लान बने हैं और कई बार हमेशा हमने देखा है। आप लोगों की तरफ से स्पेसिफिक क्या है, कितना पैसा एलोकेट किया गया है यमुना की? मैंने आपको एक प्रॉमिस किया हुआ है कि अगले चुनाव से पहले आपके साथ यमुना में डुबकी लगाऊंगा, वो कर दूंगा। अगले चुनाव, अगले 2025 का जो चुनाव है सर, यमुना से रिलेटेड है, 6.0 एक्शन प्लान है। ये एक्शन प्लान रिएक्शन में होगा या ये यमुना एक्शन प्लान बनता ही रहेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं इतने सालों से, आपकी सरकार से पहले भी था, आपके सामने भी बन चुका, यमुना साफ कब हो? मैंने आपको बता दिया 2025 तक हो जाएगी। अभी अभी बोला 2025 के चुनाव के पहले आप सबको लेके डुबकी लगवा के लाऊंगा। स्पेशल रिपोर्ट प्रेजेंटेड बाय आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी, हम करते हैं आपकी दिल की हिफाजत, माहरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ, ख्याल दोनों का हम रखते हैं, हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। अवेसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स कंचनबाग और शालीबंडा।